एक होता है एक बात को घसीटते जाना, तू गलत है, नहीं तूने गलत किया, नहीं मैं ये पकड़ के ही रहूँगा कि तूने गलत किया, तूने ये किया कैसे, इतना सामने वाले को गर्म कर देना कि न चाहते हुए उसके मुँह से और कुछ निकले। और एक होता है अभी उसका चैप्टर छोड़ो, उसकी बात ख़त्म करो, कोई नया टारगेट पकड़ो और कोई नई चीज़ करो। ये होती है रियल बिग बॉस गेम। आप एक ही चीज़ को पकड़ते जाओगे और फिर उसे पकड़कर आप खाने पे दुश्मनी निकालोगे। उसके बाद और एक चीज़ होती है कि आपको सपोर्ट भी मिलेगा उस पर, और फिर आप क्या करोगे, और बिगड़ते जाओगे। ध्यान से समझना आज का एपिसोड। शुरुआत में जब बिग बॉस चालू हुआ, मनीषा डांस कर रही थी, तभी बेबिका ने क्या किया, मेरा मूड नहीं है। कैसे ये लोग कैमरे के अंदर ये चीज़ पकड़ नहीं सकते। लास्ट टाइम उसने वो गलती की, वीकेंड के वार के ऊपर पूरा एपिसोड जज के ऊपर था, उसने दुनिया भर की सॉरी बोल डाली। अब उसके बाद तो लोगों को बोल रही है इससे कैसे रिश्ता रख सकते हैं। वीकेंड के वार के बाद वो जिया के लिए बहुत कंसर्न था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था सब कर रहे थे, क्योंकि उसे इतना नॉलेज नहीं है कि बिग बॉस की गेम में ये सब होता है। तो उसके मुंह से क्या एक स्टेटमेंट निकल गया, आपने फिर से वो पकड़ लिया और फिर उसके पीछे पड़ गई। वो जो थूकने वाली बात है वो तो आई डोंट नो वो क्या है क्या नहीं है, रियल है फेक है, वो तो वीकेंड के वार पे पता चले कि उसने वाकई में उसके सामने देखा था और थूका था, वो बाद में पता चलेगा हमें। पर उसकी रियल गलती मनीषा को पुश करना, वो गलती थी। बाकी जहाँ तक मुँह से निकालने की बात होती है, तो बिग बॉस जो पहले के सीज़न आए हैं, कोई भी बिग बॉस का सीज़न ले लो, हर किसी ने कभी ना कभी ऐसी कोई चीज़ें बोली है जो गलत है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस उसे पकड़ के ही रखो। अब पूजा भट्ट जो है वो जत ने जो मनीषा के साथ किया था वो बोल रही है, ठीक है। पर ये जो बेबी का बोल रही है, अभिषेक का और जत का खाना नहीं बनाओगी, वहाँ पर पूजा भट्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, पूजा भट्ट ने कहा कि खाना तो सब खा सकते हैं ना, आप रोटी के लिए मनीषा को बोल दो, पर उसकी जगह पर बेबिका को क्लियर बोलना कि भाई जैसे अभिषेक ने कहा कि खाने पे क्या है प्रॉब्लम। बेबिका का ये बोलना है कि जो मेरे पर खुन्नस निकालते हैं मैं उन लोगों के लिए क्यों खाना बनाऊँ, तो आप खाने की ड्यूटी पर से हट सकते हो, दूसरे किसी को खाने पर लेके आओ। बाकी अभिषेक ने क्लियर कहा कि जो पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनली अगर आपको कुछ ख़राब लगा है तो आप बात मत करो, पर आप खाना बनाते हो तो आप खाना सबके लिए बनाओ ना, आप दो जन के लिए खाना नहीं बनाओगे, फिर वो दो जन के लिए और कोई बनाएगा। वो कल फलक को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, कल फलक ने एक्सेप्ट कर लिया था कि खाना जो है चल उन लोग का आज मैं बनाती हूँ, तो आज बेबिका ने वो चीज़ को बढ़ावा दिया। उसने मॉर्निंग से सोच लिया था कि आज ये टॉपिक के ऊपर सब बड़ा बड़ा चीज़ें मैं करूँगी, और उसमें वो सक्सेस भी हुई। पर ये चीज़ में उसे सपोर्ट मिलना ही नहीं चाहिए। सुबह में साइरस ने क्या कहा, तुम लोग पैचअप कर लो, किसको, बेबिका को। तो सिर्फ बेबिका नहीं, पूजा भट्ट भी भड़क गई और साइरस को कहा तू डबल साइड क्यों बोल रहा है, डिप्लोमेटिक क्यों बात कर रहा है। तो वहाँ पर भी क्या था कि बेबिका ने एकदम पकड़ ली वो चीज़ कि नहीं, पूजा मैम भी मेरे साइड पर है, ठीक है ना, मनीषा की बात हम मान के चलते हैं कि जद ने रॉन्ग किया, पर जहाँ तक कुछ चीज़ मुँह से निकलनी, तो वो तो बिग बॉस में हर किसी के मुँह से कभी ना कभी निकला ही है, तो वो चीज़ को पकड़ के रखना नॉट राइट। और इसमें क्या होता है, जब ऐसी चीज़ को सपोर्ट किया जाता है तो सामने वाला है ना बहुत ज़्यादा पावर में आ जाता है। हमने बेबिका के मुँह से गाली सुनी थी ना हरामी, तो बेबी का भी गाली देती है, और जिया जब गाली देती है तब पूजा भट्ट ने कहा कि गाली से बात नहीं करो। हो सकता है पूजा भट्ट ने बेबी का के मुँह से गाली ना सुनी हो, पर वो साथ में रहते हैं तो उन्हें पता होगा कि बेबी का भी गाली देती है। तो इस हिसाब से अगर एब्यूज़ करना, गाली देना रॉन्ग है, पूजा भट्ट जब भी सुने बेबी का के मुँह से भी तो भी गलत है यहाँ पर रहते हैं। मतलब एक चीज़ एक रूल सबके लिए रहना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। पूजा भट्ट हमेशा देखा गया है कि सब चीज़ें बराबर होती है उनके हिसाब से, पर आज जो है ऐसा लगा कि पूजा भट्ट जो है वो थोड़ा बेबिका की तरफ रॉन्ग चीज़ में भी सपोर्ट कर रही थी। और अभिषेक का बोलना यही था, जब भी अभिषेक को टॉपिक लेके जा रहा था कि ये खाना जो है दो जन के लिए नहीं बना रही है, वो चीज़ वो नहीं कर सकती है, तो उसके सामने पूजा भट्ट वो टॉपिक पर बात नहीं कर रही थी जद ने जो मनीषा के साथ किया। यहाँ पर सिर्फ खाने का टॉपिक है, जद ने जो मनीषा के साथ किया तो उसके लिए आप जद से बात नहीं करो जो आप नहीं कर रहे हो। गाली के बाद दूसरा सीन ये हुआ, बेबिका ने क्लियर, वो दादागिरी रहती ना वैसा, जिया ने सबके साथ डिस्कस किया, उसके बाद सब लोग ने कहा तो उसे निकाल दो किचन की ड्यूटी पे से और उसे बर्तन में डाल दो। जिया जब गई उसके पास कि तू बर्तन कर ले, तो इसने क्लियर कहा मुझे हटा के दिखाओ, तो ये खुली दादागिरी है। एक बार उसने जिया का हाथ भी ऐसा किया, दोनों के बीच में फिजिकल हो सकता था, पर उसके थोड़े टाइम के बाद मनीषा ने आके उसे समझाया और वो समझ गई।
उसके बाद थोड़े टाइम के तो हमने देखा बेबी गाने का, कोई मुझे ही आके बोलता है, मुझे ही टारगेट किया जाता है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही चिल्लाती हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ। जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, पर सामने वाले की नज़र से देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि हम गलत कर रहे हैं या नहीं। अगर सामने वाला बोल रहा है कि तू गलत कर रहा है, और एक नहीं अगर बहुत सारे जन बोल रहे हैं, तो उस वक्त आपको थोड़ा बैठ जाना है एक जगह पर और सोचना है कि कहाँ ना कहाँ मेरी गलती है। क्योंकि हमारी जो रेप्यूटेशन रहती है वो हमारे हाथ में रहती है। जैसे पूजा भट्ट की वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जब वो कहती है कि आज से सालों के बाद तुम्हारा चेहरा जैसा भी हो, तुम्हारा जो कैरेक्टर रहेगा ना, उससे सब तुमको पहचानेंगे। तो ये बहुत मायने रखता है। अगर हमारा अपना भी कोई रॉन्ग करता है, उससे सपोर्ट नहीं करो रॉन्ग चीज़ के अंदर, क्योंकि करोगे तो वो समझेगा कि मैं सही कर रहा हूँ और वो गलत चीज़ और करते जाएगा। पूजा भट्ट बहुत सेंसिबल है, उनमें बहुत समझ है, वो सब चीज़ें ध्यान से देखती है, बट कहाँ ना कहाँ वो भी चूक जाती है कि हाँ ये जो चीज़ है वो मुझे इस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए। अभी अगर जिया की बात वो सुन रही नहीं है, ना ही बिग बॉस जो है उसे कन्फेशन रूम में बुला रहे, तो फिर मामला कैसे ख़त्म होगा? वो तो फिजिकल होते होते बच गया। तो उस वक्त पूजा भट्ट को आके बेबीगा को बोलना चाहिए था ये सब नहीं, तो एक काम कर, तो बर्तन में चले जा, मैटर सॉल्व हो जाता, क्योंकि पूजा भट्ट की वो सुनेगी बात। अब गिल्टी टास्क आया कि जिया गिल्टी है क्या नहीं है, तो ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि जो मैंने लास्ट दो रिव्यू में कहा था, मनीषा को अंदर सोने में एसी में सर्दी हो जाती है, उसने कहा था कि मैं बाहर सोऊंगी, और उसमें जिया जिद कर रही थी नहीं तुझे एसी में अंदर सोना पड़ेगा, उसमें जिया गलत थी। हालांकि अफक और अविनाश ने उसे समझाया, उसके बाद वो जाके समझी, पर उसमें वो गलत थी। सेकेंड, उसने जो मनीषा को जेल में डाली थी उसमें भी वो गलत थी। राशन डिस्ट्रीब्यूशन में उसके चॉइस के उसने मेंबर रखे थे वो गलत था, बाकी राशन किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो तो अंदर जो मेंबर्स है उन लोगों को पता है और उसका टेक वो लोग ले सकते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये तीन जगह पर वो गिल्टी थी। अब हम ओवरऑल बात करते हैं। जज जो है वो एकदम डिप्रेशन जोन में चले गया है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार अविनाश ने फलक को कहा कि भाई तू जाके इसके साथ बात कर, फलक ने बात किया कि पूरी दुनिया में तुझे ऐसे लोग मिलेंगे तो तू कैसे डील करेगा, बट एक्चुअली पूरी दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे तो सीन ऐसा होता है कि वहाँ पर तो घर के अंदर बंद है ना, बाहर तो हमें जिससे मिलना है हम मिलेंगे, नहीं मिलना है नहीं मिलेंगे। पर वो इंसान है वो कम्प्लीटली, हाँ ऐसा नहीं उससे गलती नहीं हुई है, गलती हुई है, बट वो इंसान को लोग बोलते ही जाना, तो वो पता है वो साइरस ने ही बोला तेरा बीपी का क्या सीन, तो उसने बोला हाँ ओके, तो कभी किसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है। अभी उसका एक चैप्टर ख़त्म कर देना, और उसे भी ध्यान रखना कि वो भी ये ध्यान रखे कि उसके मुँह से कुछ निकले नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ना सब चीज़ें काउंट होती है कि आपका नेचर कैसा है, आपने क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस की है, उसके मुताबिक इंसान रिएक्ट करता है। जद का और पूजा भट्ट का प्रॉब्लम है, बेबी गा को तो बस अभी जद और अभिषेक यही चल रहे हैं, और जिया चल रहे हैं। तो बेबी का वस जद, वस अभिषेक और जिया, ये चलता रहेगा। मनीषा अभी फिर से जोन में आ गई है। अब जिया जो है आने वाला टाइम कल परसों जब तक वो कैप्टन है तब तक उसके साथ और क्या क्या चीज़ें होती है देखने लायक होगा। उसने भी सिर्फ बहुत सारी जगह पे रॉन्ग चीज़ें की है। और रही बात फलक और अविनाश की, तो उनकी एक स्वीट सी मस्ती चलते रहती है तो वो देखने के लिए मज़ा आती है। अभिषेक ओके है, अभिषेक सब चीज़ें एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलता है। आयरस भी जो है ना उन्हें सब पता है क्या चीज़ राइट है क्या चीज़ रॉन्ग है, बट उनका हैंडल करने का तरीका एकदम पीसफुली है। वो एकदम शांति से सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और शांति से सब चीज़ें सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब ये हो गई बिग बॉस की बातें, अब हम करते हैं हमारी बातें। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, जितना टाइम मिले वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर आपका शरीर अच्छा तो आपकी फैमिली खुश, आपकी फैमिली खुश तो आप खुश, और आप सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियोज़ देखना, अगर बाकी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।